हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल खुशफहम प्योर लाइन मगरोनी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पीवी प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड है अपना व्यापम है, वो जीके के क्वेश्चन रिपीटेड पूछता रहता है। जो पिछले पेपरों में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं वही रिपीट होते रहते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हो। तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि मैंने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पीवी द्वारा जो भी पूछे गए 2014 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसका सभी का जीके का मैं आपको जो टेस्ट है वो यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपके लिए प्रत्येक एक वीडियो पर डे अपलोड करूँगा, तो आप इसको देखना ना भूलें। भले से आप जीके ना पढ़ें लेकिन इन टेस्टों को कर लें, आपके कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष .. में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आपके पास 1987, 1972, 1956 या 1982। दोस्तों लॉजिक लगाइए, कब स्टार्ट किया गया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपका इसका आंसर। करेक्ट आंसर है आपका 1987। कितना है? 1987 में आपका मध्य प्रदेश शासन ने आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह एक सम्मेलन है गाइस, जो आपका कहां पे होता है? ऑप्शन बताइए, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बताइए कहां पर होता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूं गाइस, इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है गाइस, ध्रुपद याद रखिए, जो ध्रुपद सम्मेलन है वो आपका कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है। ठीक है दोस्त, और आपके पास अगर MPGK की किताब हो तो आप उसमें से जितने भी सम्मेलन दिए हुए हैं, सम्मेलन समारोह हैं, वो पूरे के पूरे कर लें, जिससे कि आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही है उसमें से। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। जो रानी विक्टोरिया है उनकी स्वर्णिम जयंती मनाई गई थी, उस यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है गाइस। आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बताइए उत्तर बताइए कौन सा है। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर होगा आपका क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। वन्य जीव का रिजर्व का नाम बताइए, वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ठीक है गाइस, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने हैं, रणथंबोर, कारबोट, कान्हा राष्ट्रीय और सरिका राष्ट्रीय, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी, मध्य प्रदेश में बिजली सब्सिडी के लिए आपको पता है कौन सी योजना चालू की गई थी? गाइस सबको पता है, संबल योजना। कौन सी? संबल योजना, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों के अपनाया गया? किसको? जो मौलिक अधिकार होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं मौलिक अधिकार, आपको पता है, पॉलिटी पढ़ी होगी आपने, तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा अधिवेशन था। कलकत्ता, दिल्ली, कराची, वर्धा, कौन सा था? जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन। ठीक है गाइस, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया? गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार 2-3 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंसर बताइए कौन सा होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर होगा आपका
अंजोली इला मेनन को 2018 का कालिदास सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? लोटस टेम्पल, जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन बताइए जल्दी कौन सा होगा इनमें से। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बहाई। कौन सा? बहाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अपना क्वेश्चन है, 2017 मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है? सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म कौन सा है बताइए जल्दी जल्दी, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? जल्दी बताइए जल्दी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आंसर बताइए इसका कौन सा, ऑप्शन आपके साथ में दिए हैं चार। चलिए मैं बताऊँ, इसका आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री? कौन? राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले के रचयिता, जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट 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 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, भारत सरकार और RBI के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लक्ष्य है? जल्दी बताइए कौन सा लक्ष्य है मौद्रिक नीति। चलिए 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 मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? मेट्रोमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? आपके सामने कोई ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, कौन सा है इनमें से आंसर जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, श्रीधरन। कौन सा है? श्रीधरन। कौन सा? सेकेंड नंबर का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए, बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय है, बताइए बताइए, सबको पता है, सबको पता है, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए आपका क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? चार मीनार कहाँ पर है जल्दी बताइए, अपना ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे किसी संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपका, इसका आंसर होगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्गम नहीं है? बाण सागर बांध कहाँ पर स्थित है, उसमें से आपका कौन से पे यहाँ से इस परियोजना का लाभ नहीं ले रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज सबको पता है गाइस, हावड़ा ब्रिज कौन सी पे है? हुगली नदी पे। कौन सा है? हुगली नदी पे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन SCM को वर्ष में .. में शुरू किया गया था? ठीक है गाइस, आंसर आप बताइए जल्दी से, 2015, 2017, 2018, 2014। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा 2015। कौन हुआ? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, और क्या है लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से भारी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? जो भारी लोग हैं उनके लिए घर प्रदान करने वाला कौन सा अपना, कौन सी स्कीम चलाई गई है तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3, 4 जल्दी बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा क्या होगा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, UNULM। ठीक है गाइस, गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिससे कि मैं अच्छे से आपको इनका
जो बेस से सही से समझा सकूँ। प्रत्येक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, ये बताइए मुझे कि इसमें आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेनमेंट लाऊं मैं, जैसे कि आपको प्रत्येक ऑप्शन को समझाऊं मैं अच्छे तरीके से, तो वो भी करूँगा। गाइज़ ये मेरा पहला दूसरा ही वीडियो है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन थ्रू करवा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर मैं अच्छे से और इसे मेहनत करके बनाऊँगा, जिससे आपको भी समझ में आए और आपके जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं के हिसाब से आप अपनी MPGK को पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।